एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कल जम्मू का दौरा करेंगे और संभवतः लोगों को संबोधित करेंगे। हर कोई जो है माननीय प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे विपक्षी दल, हमारे सत्ता दल के, हमारे जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस समय कांग्रेस से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एक्सेलसियर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल यहाँ पर आ रहे हैं, जनता को संबोधित भी करेंगे और कई यहाँ पर नींव पत्थर भी रखेंगे परियोजनाओं के, किस नजरिए से देखते हैं उनकी विजिट को? देखिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका अधिकार है, वो देश के कोने कोने में विदेश में जाते रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2014 में भी आए थे, ललकार रैली भी की थी, लेकिन ललकार हुई नहीं। और ना उन्होंने चाइना को ललकारा, ना पाकिस्तान को ललकारा, जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर ललकारा। हमारी स्टेट को ख़त्म करके यूटी बना दिया, स्टेट का विभाजन कर दिया, 2 UT हो गए, यहाँ के अधिकार खत्म हो गए, लैंड और जमीन के अधिकार लोकल्स के खत्म कर दिए, यहाँ की तजारत खत्म हुई, यहाँ के स्पेशल राइट्स खारे खत्म हुए। और सबसे बड़ी बात है, जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं थी। आप लास्ट हद तक लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव भी खत्म कर दिए गए। 10 साल 2014 के बाद कोई चुनाव असेंबली का हुआ नहीं। सरकारें बनाई, सरकारी तोड़ी, नॉर्थ पोल साउथ पोल के तजर्बे किए, लेकिन तजर्बे लोगों को महंगे पड़े। और उसके बाद जो तजर्बा किया उसमें जम्मू का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर का हुआ, क्योंकि हमारी ज़मीन और हमारी नौकरी सुरक्षित थी और जो थोड़ी बहुत निकलती थी वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी। आज व्यापार जम्मू का बाहर जा रहा है, रेत और बजरी भी बाहर जा रहा है, शराब के ठेकेदार बाहर थे, सारी चीज़ें मजाटी जो है वो बाहर के ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार आप देख रहे हैं, छोटे ठेकेदार तजारतकार जो जम्मू के कश्मीर के यहाँ लोग काम करते थे, वो लोग मारे गए, उनका तजारत छिन रहा है, व्यापार छिन रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता यही होगा, ये टेक ओवर हो जाएगा, आपका कल्चर, आपका सारी चीज़ जो है वो बाहर के लोगों के पास होगा, आपको दिखेगा नहीं, गुंडागर्दी और चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसलिए उन चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ जो आपने किए, वो जम्मू को जरा कल अगर बता के जाएंगे तो हम खुश होंगे कि वो बताएंगे इन चीज़ों से जम्मू कश्मीर का कितना व्यापार बढ़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना अधिकार मिला, जम्मू के लोगों को कितना अधिकार मिल गया कि आपने जो वादे किए थे और जो बातें आपने कही थी उसका फ़ायदा तो हमें बता दें। और खासकर जम्मू कश्मीर का युवा पूछता है, एक तरफ से आपने अग्निवीर लाया, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट थी, यहाँ पे भर्ती और लोगों के एक बड़ा कारण रिक्रूटमेंट था, फौज थी, लेकिन उसका तो उन्होंने आपने नक्शा ही बदल दिया। लेकिन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हुई, आपने बड़े वादे किए 370 तोड़ते वक्त, लेकिन 50,000 तो वो कहते हैं 3 महीने में लगाएंगे, अब तो 5 साल में 50,000 नहीं पहुँचा आपका आंकड़ा। और जो लोग यहाँ लगे थे 10-10, 15-15, 20 साल से, कोई डेली वेजर, कोई नीट वेस्ट, कोई SPO, को आंगनवाड़ी वर्कर, कोई हेल्पर, कोई रैबरे खेल, कोई रैबरे सेठ, कोई रैबरे रात, कई मुख्तलिफ नामों से यहाँ पे लोगों को तजारत दी गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के नाम से कांग्रेस ने तजारत दी थी, हजारों की तादाद में 14,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स, ना उनकी तनख्वाहें बढ़ी, ना उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार रहा, ना उनको रिकॉग्नाइज किया आप लोगों ने, उन तमाम लोगों को जिनके साथ आपने कहा था कि हम आते ही वायदा किया था कि आपको पक्का करेंगे, और कई SRO और RO निकाले, वो भी लागू नहीं हुए। इसलिए वो तमाम लोग मोदी जी के इंतजार कर रहे हैं पिछले 10 साल से, जो काला धन लेके वो आने वाले थे, 15-15 लाख आने वाला था, 2 करोड़ नौकरी आने वाली थी, वो तो सारा देश इंतजार करता है। अब वो कहीं और लोगों को घुमाते हैं, कभी दुबई ले जाते हैं, कभी अबू धाबी ले जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि महंगाई कहाँ पहुंची। 69,000 करोड़ रुपया ऑयल कंपनी ने कमा लिया, 38% पेट्रोल और डीजल 2 साल से कम हो गया कच्चा तेल, लेकिन लोगों को 1 पैसे का फायदा नहीं दिया। इस समय फॉर्मर मिनिस्टर मैडम प्रिया सेठी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पूरा देश जो है कल एक्साइटेड है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, तो किस तरह की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और कितनी उम्मीदें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू की धरती पर आना और आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर चुनाव है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए एक मार्गदर्शक है, जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, विकसित भारत की गाड़ी के अंदर महिला शक्ति अग्रसर है, युवा अग्रसर है, जो वंचित है, शोषित है, वो अग्रसर है, और कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है उसके लिए एक बहुत बड़ा ध्यान जो है माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है।
आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे बीच में 20 तारीख को एमएम स्टेडियम के अंदर 10 बजे आगाज हो रहा है, वह आ रहे हैं। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को हटाया गया, जिस तरह से जो लोग कहते थे, जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर्स कहते हैं और कहते थे कि जब 370 को आप हाथ भी लगाओगे तो यहाँ पर कोई तिरंगा फहराने वाला नहीं रहेगा, आपने देखा कि जम्मू की इस धरती के ऊपर तिरंगे ही तिरंगे रहे हैं, तिरंगे ही तिरंगे रहे। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो डिटर्मिंड है, जो डिसीशंस लेने के अंदर बहुत सक्षम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत पावरफुल है, मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनकी तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही है। एम्स को पूरा करने में 2.5 साल का कार्यकाल के अंदर IIT स्टैब्लिश हुआ, IIM स्टैब्लिश हुआ, रोड्स की जिस तरह से रोड्स बन रही हैं, गति देखिए आप, जिस तरह से हॉस्पिटल्स जो विकसित हो रहे हैं, जिस तरह से बहनों को उज्ज्वला योजना के साथ जो है सम्मानित किया जा रहा है, जो आपके आवास योजनाएं हैं, अनंत ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जहां पर हर गरीब को, हर वंचित को, हर महिला को, हर युवा को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने गुड गवर्नेंस से एक सुख पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आवास पर लोग अपने आप आएंगे, जिस तरह से राम मंदिर का आपने देखा कि अयोध्या के अंदर प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए भी हम साधुवाद करते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर आपके माध्यम से हम सभी को आगाज करते हैं कि आइए अपनी उपस्थिति बताइए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एमएम स्टेडियम में। इस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS शिप साहब हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बारे में। सर, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जो हैं कल जम्मू विजिट कर रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं उनके इस दौरे को? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री का जब किसी प्रदेश में दौरा होता है तो लगभग ये समझा जाता है और सही भी है कि प्रधानमंत्री के आने से उस प्रदेश को या प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचता है और पहुंचना भी चाहिए। और प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर में आना, हम उसका स्वागत करते हैं और डेफिनेटली अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ होगा, फायदा होगा, कोई ना कोई चीज लेके आएंगे। जैसे मुझे पता चला है समाचार पत्रों से कि काफी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, जो विकास की योजना के ऊपर आधारित जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स की वो समीक्षा करेंगे और मुझे लगता है जब समीक्षा करेंगे तो उनका उद्घाटन भी करेंगे या शुरुआत करेंगे, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ तक हमारा संबंध है एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रहने के नाते, एक आम शहरी के नाते भी और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते भी, हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में या हमारी यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट के लिए जाहिर है कि हमें केंद्र का पूरा समर्थन मिलना चाहिए और केंद्र का समर्थन ज्यादा से ज्यादा तब मिलेगा जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्रदेश पर रहेगा। दो बातें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है जो सुनने में आ रहा है कि पॉसिबली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेल से जुड़े हुए या जो हमारा विमान पतन है, हमारा जो एयरपोर्ट है उसके साथ जुड़ा हुए या एम्स के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं शायद जिनकी वो समीक्षा करेंगे या उनका उद्घाटन करेंगे। हम 09 पर रहते हैं, कठुआ से लेकर पुंछ तक, कठुआ से लेकर दरिया चनाब तक IB है, उसके आगे जो है वो भले उनमें बड़ी बेकारी है और कोई नौकरी के साधन नहीं है, ज़मीनें अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूँ कोई स्पेशल अटेंशन दी जाए
ताकि बॉर्डर पर बसने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ सरकार जो करे और उनको नौकरी में मौका दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट का हर कोई स्वागत कर रहा है और ढेरों उम्मीदें भी कर रहा है। अब ये वक्त तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। फिलहाल नितिन गल्होत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।